वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ प्लान जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी के चलते 100 करोड़ मोबाइल ग्राहक प्रभावित होंगे। ये सभी टैरिफ प्लान 3 दिसंबर 2019 से देशभर में लागू कर दिए जाएंगे, जो कि हो चुके हैं। कंपनी के नए प्लान मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध कर दिए गए हैं। साथ ही ये सभी नए टैरिफ प्लान पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, अमेजोन पे सभी जगह पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा नए प्लान की जानकारी के लिए मोबाइल यूजर्स *121# भी डायल कर सकते हैं। हम आपको वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के सभी नए प्लान के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में सभी कंपनियों ने, सभी नेटवर्क कंपनियों ने अपने प्लान में कुछ बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अभी उसके सभी ऑफिशियल वेबसाइट और उसके ऐप में सभी जगहों पर अपने नए प्लान जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। तो आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि सभी जो प्लान है उसकी कॉस्ट क्या होगी और उसके बारे में सभी जानकारी पूरी आपको दे दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं एयरटेल की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसके जो प्लान है वो आपके सामने है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो प्लान है 248 रुपीज़ का जो अनलिमिटेड पैक है, 1.5 GB डेटा पर डे का आपको दिया जाता है और यहाँ पर आपको उसकी वैलिडिटी मिलती है 28 दिन की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो कॉस्ट है वो आपको अनलिमिटेड तो मिलता है, लेकिन अनलिमिटेड सिर्फ आपको एयरटेल टू एयरटेल ही मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर नेटवर्क में कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 मिनट अलग से दी जाती है, जिसके अंदर से आपको पर मिनट से पैसा जो है कट होगा आपके अकाउंट से। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके 28 दिन पूरे नहीं हुए और आपने 1000 मिनट कंप्लीट कर दी और पूरा कर दिया तो आपको नया रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और इसी तरह सभी कंपनियों ने अपने जो प्लान है वो चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल आइडिया के बारे में, अगर मैं आपको बताऊँ आइडिया के बारे में, तो आइडिया में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने जो प्लान दिया है वो है 149 रुपीज़। लेकिन अगर आप यहाँ पर व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर FPU के तहत आपको 1000 मिनट मिलेगी, जिसके अंदर आपको 28 दिन की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन अगर दोस्तों आप इसका जो 84 डेज के लिए अगर इसका रिचार्ज करवाते हैं तो इसके लिए आपको 3000 मिनट मिलेगी, जो कि आपको 84 दिन के लिए जो है वैध रहेगी। और इसी के साथ वोडाफोन ने भी अपने प्लान में सभी प्लान में जो है चेंजेस कर दिए। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया दोनों एक ही है तो दोनों में एक ही प्लान रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 149 में आपको 28 दिन का कॉल मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम मोर डिटेल में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट अनलिमिटेड कॉल्स टू आइडिया एंड वोडाफोन, अगर आप आइडिया और वोडाफोन में कॉल करते हैं तो आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर किसी नेटवर्क पर कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 मिनट मिलती है, जिससे आपका जो है 6 पैसा पर मिनट कटेगा। अगर ये खत्म हो जाता है तो इसके लिए आपको दूसरा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये सभी चीज़ें जो है आपको सभी नेटवर्क पे जो है अवेलेबल हो चुके, लेकिन जियो ने अभी तक अपना लॉन्च नहीं किया है। जैसे कि जियो से दिसंबर से अपना नया प्लान जो है लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों पहले क्या था कि जियो ने जब अपना प्लान जो है वो अनलिमिटेड किया तो सभी कंपनियों ने अपने प्लान अनलिमिटेड कर दिया, लेकिन अब दोस्तों सभी जियो ने जब चेंज किया तो सभी कंपनियों ने भी अपने प्लान चेंज कर दिए और अपने जो प्लान है उसमें बढ़ोतरी कर दी। तो कुल मिला के दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है लत लगाई गई कि आप अनलिमिटेड पैक का यूज़ कीजिए, तो अब जब आप अनलिमिटेड पैक से रह नहीं सकते तो अब उन लोगों ने इन सभी को बढ़ा दिया। जैसे कि अगर आप 399 रुपये का रिचार्ज अगर आप करते थे तो अब आपको वो रिचार्ज होगा 598 रुपये में, यानी कि 598 रुपीज़ आपको पे करना होगा, जिसके अंदर आपको 48 डेज के लिए जो है 1.5 GB डेटा पर डे मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो है 28 दिन का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आपको एक रिचार्ज में 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे कि अगर आप एक रिचार्ज करते हैं तो एक रिचार्ज के अंदर आपको जो है 200 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। अब जब 6 दिसंबर को जियो अपना नया प्लान लॉन्च करेगा तब मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दूंगा, जो भी उसने बदलाव किया है उन सभी को मैं उस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको सभी सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आपको ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.